Thomas White and White's poem, What Should I Say? That face is dead. Listen. It's very interesting. It is just like the poem we have already gone through. Is it possible? This is similar to the previous poem. What should I say? Since faith is dead and truth away, from you is fled. What should I say? Now it shows the extreme dejection, sorrow and disappointment of the people, of the poet. Yani ki poet hame dejected lag raha hai, absurda, sorrowful lag raha hai, aur disappointed lag raha hai. Theek hai, extreme kind of dejection, sorrow and disappointment. And now he says that, what should I say? Because the beloved has finally deserted him, wo usko chhod gayi hai, jaise ki aam taur pe ladkiyan karti hain. To kehta hai ki ab aisa jabki ho chuka hai, to ab main kya karun? What should I say? Since faith is dead, because the faith between them, faith means the love, confidence, trust between them is now come to an end. Wo khatam ho gaya, dead ho gaya. And truth away, aur dono ek dusre se jhoot bol rahe hain, and they are no more truthful, sincere, honest, and there is a falsehood between them. Ab sach nahi hai to phir jhoot hai. To from you is fled. Fled, flee, fled, fled. Fled ka matlab hota hai escape ho jana, chale jana, farar ho jana. Ki sach to ab flee ho gaya, fled ho gaya, farar ho gaya. To there is no trust between them. What should I be led? Led ka matlab lead karna, treat. Yahan pe aega treated. To poet ab usse puchta hai ki kya mujhse aisa bartav karna banta tha? Main itna acha aadmi tumhe mil gaya tha. ठीक तो मेरे साथ क्या ऐसा सलूक करना चाहिए था विद डबलनेस व्हाट अ ब्यूटीफुल और ये है रेनेसांस एटीट्यूड या रेनेसांस कैरेक्टरिस्टिक्स या रेनेसांस एट्रीब्यूट कह लें या क्वालिटी कह लें कि रेनेसांस में क्या था कि हिपोक्रेसी ड्यूअलिटी वो जो है जेलसी ठीक है ना डिसलॉयलिटी एंड डबल क्रॉस तो कहते शुड वो जो है विद डबलनेस ने ने मिस्ट्रेस कहते नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं था करना चाह रहे अब ये जो ने ने है ना वो अभी भी इसका मतलब है कि वो एक तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा लेकिन साथ साथ इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा रिएक्शन भी है नहीं 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 ऐसा नहीं था होना चाहिए तो इट सीम्स दैट ही एट द एंड ऑफ द पोएम ही मे हैव सम रिएक्टिव ही मे रिएक्ट टू दिस ट्रीटमेंट वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा जैसे कि दूसरी पोएम्स में भी हमें एंड में उसकी जो लास्ट होता है ही कंक्लूड्स विद सम रिएक्शन I promise you and you promise me. मैंने तुमसे वादे किए तुमने मुझसे वादे किए तो वो वादे क्या थे hollow promises. लेकिन hollow कहते हैं खोखले लेकिन वो वादे जो है खोखले हुए To be as true हमने वादे किए थे HOLLOW To be as true कि हम सच्चे रहेंगे as I would be और जैसे कि मैं रहना भी था और मैं रहा भी But since I see लेकिन मैंने देखा है your double heart और what a beautiful कि तुमने जो double heart का मुजाहरा किया है farewell my part what a beautiful कहता है farewell का मतलब खुदा हाफिज withdraw क्योंकि तुमने जो है फिर वो double heart किया है तो फिर अब मैंने भी क्या किया farewell my part मैंने भी अपने किरदार को withdraw कर लिया यानी कि मैंने भी फिर अपनी वो जो कमिटमेंट थी उसको मैंने विड्रॉ कर लिया तो ही हैज ऑल्सो विड्रॉन हिज कमिटमेंट टू बी ट्रू टू बी सिंसियर टू बी ऑनेस्ट ठीक है तो कहते हैं फिर अब तुमने जो है मुझे झंडी करा दिया मुझे धोखा दे दिया तो फिर अब मैं भी विड्रॉ कर रहा हूं थॉट फॉर टू टेक कहते सोचा था कि इकट्ठे रहेंगे खुश रहेंगे मिलके रहेंगे थॉट फॉर टू टेक इट इज नॉट माई माइंड ठीक है बट टू फॉरसेक और ये मेरा जहन नहीं था मेरा ख्याल नहीं था इट इज नॉट माई माइंड बट टू फॉरसेक कि मैं तुम्हें छोड़ जाता भूल जाता तो मैं चीट करता डॉज करता ये मैंने नहीं था मैंने तो सोचा था इकट्ठे रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका वन सो अनकाइंड तुम इतनी अनकाइंड निकली हो एज आई फाइंड जैसे कि मैंने अब तुम्हें फाइंड आउट किया है ठीक है सो आई विल ट्रस्ट ठीक है सो विल आई ट्रस्ट अब मैं कैसे तुम पे ट्रस्ट करूं हाउ कैन ही बिलीव इन हर फेयरवेल अनजस्ट तो अब देखे ना थोड़ा सा वो रिएक्टिव होता चला जा रहा है पहले स्टेंजे की निस्बत तो फेयरवेल तो देयर फॉर ही सेज डैट गुड बाय उसको कहता है अच्छा फिर जाओ अगर तुम ऐसी धोखेबाजी निकली हो ठीक है तो फिर जाओ ठीक है अनजस्ट बिकॉज शी प्रूव टू बी अनट्रूथफुल अनजस्ट ठीक है तो अनफेयर फेथफुल या अनफेयर तो वो जो है उसके साथ अनफेयर हुई है तो लिहाजा वो विड्रॉ कर रहा है कैन यू से ने कहता है कि ये जो मैंने बातें तुम्हें कही हैं ये जो मैंने तुम्हें अभी एक्यूज किया है क्या तुम इनकार कर सकती हो बट डेट यू सेट तुमने तो कहा था हालांकि डेट आई ऑलवेज आई मीन्स पोइट कि पोइट ऑलवेज शुड बी ओबेड कि तुम पोइट को मानोगी पोइट की बात माना करोगी उससे मोहब्बत रखोगी एंड दस बीट्रे लेकिन ये कह के तुमने उल्टा उसको बीट्रे कहते हैं धोखा देना चीटेड बट वो जो है शी सेट टू बी ट्रू शी सेट टू बी
obedient or honest. But having said that, she proved to be disloyal, ठीक है, and cheated the poet and deceived the poet. फिर वो कहता है कि अब मुझे गुस्सा तुम पे आ रहा है इस बात पे, तुमने इस तरह से मेरे साथ मुनाफकत की. और ये इट्स अ वेरी फोर्सफुल लाइन, ठीक है, और वही जैसे मैंने कहा था कि रिएक्टिव है, तो इट शोज हिज रिएक्शन एंड इट शोज हिज वेंजफुल. वेंजफुल कहते हैं रिवेंज, रिवेंज से वेंज, VENG, वेंजफुल स्टाइल. तो वो जो है उसका एक वेंजफुलनेस यहां पे दिखाई दे रही है. ये कहता है कि हम पहले जब दोस्त थे, महबूब थे, तो मिलते थे और जब जाने लगते थे तो दे हैव अ पार्टिंग किस, यानी कि मिलते हुए एक दूसरे को जो है पार्टिंग किस करते थे, एक दूसरे से चूम के एक दूसरे से वो डिपार्ट करते थे. लेकिन कहता है कि अब जब तुम मुझसे जुदा हो रही हो फाइनली फाइनली, तो मैं अब तुम्हें जो है वो एक पार्टिंग किस के तौर पे भी तुम्हें नहीं अटेंड नहीं करूंगा. मतलब है कि मेरी तरफ से अब तुम चलो भागो, निकलो यहां से, ठीक है ना, जाओ अब. तो और डेट आई विस्ट, विस्ट मीन्स विश, कहते हैं अब मैं क्या चाहता हूं, ठीक है, फेयरवेल अनकिस्ड, के जाओ चली जाओ अनकिस्ड, विदाउट एनी वो जो है जेस्टर ऑफ लव, टोकन ऑफ लव. तो कहते हैं चलो भागो, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल. रिवेंज से है ना, रिवेंज होता है ना इंतकाम, यहाँ पे जरा थोड़ा सा वेंजफुल. वेंज भी थोड़ा सा सख्त वर्ड है, मतलब है कि उसकी एक डिसलाइकिंग कह लें. वेंज रिवेंज से निकला है, जो आपका सवाल है आपने पूछा, ठीक है. रीवेंज कहते हैं इंतकाम लेना है, वेंज भी इंतकाम ही होता है, ठीक है ना, जरा थोड़ा सा उससे जरा लाइट है. और यहाँ पे वो एक डिसलाइकिंग कह लें या डिस्प्लेयर कह लें, डिसलाइकिंग, डिस्प्लेयर, डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन, ठीक है ना, तो उस चीज को. तो ये मैंने जरा आपको, ये थी भी इजी ना पिछली वाली को, हमने थोड़ा सा अभी हमने एक और पॉइंट भी करनी है. अब आप यूं कर लें कि इस स्टेंजे की मैं अभी आपको बताता हूं, जो इसका इम्पोर्टेंट है उसकी जरा एक्सप्लेनेशन करके दिखाएं अभी, ठीक है, उसकी बजाय इसकी. और फिर मैं